क्या आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि विच बुक इज़ राइट फॉर यू, या आपने ऑनलाइन ढेरों किताबें मंगा ली हैं, अब आपसे पढ़ी नहीं जा रही हैं, आपको अफसोस हो रहा है कि आपने अपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं, एंड नाउ यू आर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योर एबिलिटीज एज अ रीडर? या आई नो, आई हैव बीन देयर टू. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गाज़ी बुशरा है. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए एज अ बिगिनर. आप पहली दफ़ा किताबें पढ़ रहे हैं या बहुत अरसे के बाद किताब पढ़ रहे हैं तो आप कौन सी बुक उठाएंगे? 7 Habits of Highly Effective People, नॉन फिक्शन और सेल्फ हेल्प जॉनरा, जो कि एक बहुत ही फॉर्मल और प्रोफेशनल अंदाज में आपको बिजनेस एडवाइस देता है? नो. या आप पढ़ेंगे टू द लाइट हाउस, अ क्लासिक बाय वर्जीनिया वुल्फ, जिसमें एक पेज जितने लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं और जब आप सेंटेंस के आखिर में पहुंचते हैं आपको भूल जाता है कि सेंटेंस के शुरू में क्या बात हो रही थी. नो. 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल, कमाल की किताब है लेकिन आधी किताब खत्म हो जाती है और आपको सोचना पड़ता है कि बुक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, एंड बाय द टाइम यू कंप्लीट इट यू फील एक्सट्रीमली स्केयर्ड एंड डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीमली डार्क एंड ग्लूमी बुक. I don't think you want to feel like that on your first read. Ya phir aap padhenge Lord of the Rings. Yeah, I know this is not Lord of the Rings. Mere paas nahi thi. Khair, aap padhenge Lord of the Rings, jisme ek sentence ke andar gazillion difficult words hain aur aapko har word pe dictionary khol ke meaning check karna padega. No, you're not going to do that on your first read. Ye charo kitabe classics hain aur kamal ki books hain. But the problem with these books are they are not the right ones to read when you're just started. किताब पढ़ रहे हो, द बुक मस्ट बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेस्टिंग. नाउ डोंट वरी, वी हैव बुक्स फॉर दैट कॉम्बो, एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड इज हैरी पॉटर. येस, हैरी पॉटर, इट हैज़ एवरीथिंग यू नीड इन अ फर्स्ट रीड. ईजी लैंग्वेज है, सेंटेंस इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, हर कोई इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, एंड इट इज डेफिनेटली नॉट डिप्रेसिंग. इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीरीज एवर रिटन. इट इज़ गोइंग टू ग्रास्प योर अटेंशन फॉर स्ट्रेट 7 books एंड डेफिनेटली विल गिव यू द रीडिंग मोमेंटम एंड हैबिट दैट यू वॉन्ट टू गेन. सो हैरी पॉटर इज़ फैंटेसी फिक्शन जॉनरा से ताल्लुक़ रखती है, एंड आई एम श्योर कि मुझे इसकी बुक रिव्यू देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज चांसेस आर यू नो अबाउट इट ऑलरेडी. एंड द फैक्ट दैट ये फ्रेंचाइज, ये ब्रांड इतनी ज़्यादा फेमस है मेक्स द बुक मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें पता है कि डैनियल रैडक्लिफ हैरी पॉटर है और एमा वॉटसन हरमाइनी है और रॉन रूपर्ट ग्रिंट है और हॉगवर्ट्स की बिल्डिंग कैसी दिखती है वो वहाँ पे है और यहाँ हैग्रिड का कैबिन है और यहाँ फॉरबिडन फॉरेस्ट है. एंड द फैक्ट दैट द बुक्स आर 10,000 times more descriptive than the movies, so when you're reading the book you're practically inside Hogwarts, you're practically Harry Potter. और इसलिए जब आप बुक रीड कर रहे होते हैं आपकी आंखों के सामने एक मूवी चल रही होती है, आप सारे सीन्स देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, एंड बाय द टाइम द बुक एंड्स एंड हैरी स्टार्ट्स मिसिंग हॉगवर्ट्स, यू स्टार्ट मिसिंग हॉगवर्ट्स एज वेल. और ये चीज़ आपको फोर्स करती है कि आप नेक्स्ट बुक उठाएं और उसको रीड करना शुरू कर दें. इवन इफ आपको हैरी पॉटर के बारे में कुछ नहीं पता, आपने उसके बारे में कभी नहीं सुना, बट दैट डजंट मीन इट मेक्स इट एनी लेस इंटरेस्टिंग बिकॉज द राइटर जेके रोलिंग हैज नॉट लेफ्ट एनीथिंग अनअटेंडेड. देयर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन दिस बुक और कोई क्लिफ हैंगर नहीं छोड़ा. इट कीप्स योर अटेंशन ऑल द टाइम, एंड इन माई ओपिनियन अगर आपको हैरी पॉटर के बारे में नहीं पता, इट इज़ एन होल अनदर एक्सपीरियंस. आई मीन, मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी हैरी पॉटर से रिलेटेड हर मेमोरी इरेज हो जाए, मैं नए सिरे से किताब को रीड करूं और मैं सारी चीज़ों को फर्स्ट टाइम के लिए एक्सपीरियंस करूं और फिर मैं उसकी मूवीज देखूं. आई मीन, आई वुड डेस्परेटली वांट दैट. मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो रीडिंग करना चाहता है, अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहता है, उसको हैरी पॉटर के बारे में नहीं पता. टाइप येस इन द कॉमेंट्स इफ़ यू हैव एवर सीन अ हैरी पॉटर मूवी, या उसको कोई सीन देखा है, या उसका कोई क्लिप देखा है, या सारी मूवीज देखी हैं. And type thumbs up if you have watched all the 8 parts of Harry Potter and read all 7 books. Because if yes and thumbs up is there, we are just, you know, we are practically friends. This video may be excitement clearly shows how biased I am towards Harry Potter. But that doesn't mean that it's not a good book and I'm over-exaggerating it. Every Harry Potter fan loves Harry Potter like this. ये इस बात का क्लियर इंडिकेटर है कि इसकी स्टोरी, कंटेंट और राइटिंग इतनी वंडरफुली कोहेसिव है दैट इट मेक्स यू फॉल इन लव विद एवरीथिंग अबाउट इट. तो इसीलिए अगर आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, हैरी पॉटर की 7 books से बेटर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकती. पिक अप द फर्स्ट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग. आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव रीडिंग एंड ऑफ कोर्स हैरी पॉटर.
am practically living in the fantasy कि अभी दरवाज़ा खुले और हैग्रिड अंदर आया मुझे कि यू आर अ विज़र्ड गाज़िया।